रांची मौसम विज्ञान केंद्र मौसम पूर्वानुमान के अनुसार एक निम्न दबाव का क्षेत्र बने रहने के आसार के कारण झारखंड में भी आने वाले दिनों में 18 और 19 अगस्त को राज्य में भारी से भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 18 और 19 अगस्त को होने वाली भारी बारिश को लेकर कुछ रीजनों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक पूरे अगस्त में 290 मिलीमीटर बारिश होनी थी जो अब तक हो चुकी है। अब जो बारिश होगी वो एक्सेस बारिश होगी और वह जून जुलाई माह के डेफिशिएंसी को कवर करने में हेल्प करेगा। 1 जून से 16 अगस्त तक अब तक वर्षपात नॉर्मल रेंज में है। अब तक का वास्तविक वर्षपात 581 मिलीमीटर है जबकि इस अवधि का सामान्य वर्षपात 668 मिलीमीटर है। विचलन माइनस 13% है। वहीं 15 जिलों में नॉर्मल रेनफॉल चल रहा है और 9 जिलों में डेफिशिएंट है। इन 9 जिलों में 4 जिले पाकुड़, चतरा, देवघर, लोहरदगा में ज़्यादा डेफिशिएंट है। तो अभी तो झारखंड में जो मौसम है वो तो आप देख रहे हैं कि अगस्त में काफ़ी अच्छी बारिश हुई और पूरे अगस्त की बारिश आज 16 तारीख तक में पूरे अगस्त में जितना नॉर्मल बारिश होना चाहिए था 290 मिलीमीटर वो बारिश झारखंड में हो चुका है। अब जो भी बारिश होगा वो अगस्त में एक्सेस बारिश होगा और वो हेल्प करेगा जो डिफिशियंसी हम लोगों का जून जुलाई में था उसको अब कवर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और ओवरऑल 1 जून से लेकर आज 16 अगस्त तक जो रेनफॉल है वर्षापात है वो नॉर्मल रेंज में है। जो अभी तक जो वास्तविक वर्षापात है वो आपका 581 मिलीमीटर है जबकि इस अवधि का जो सामान्य वर्षापात है वो 668 मिलीमीटर है। और जो विचलन है डिपार्चर है वो आज में -13% है और 15 जिले हैं जहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल चल रहा है, 9 जिले हैं जहाँ पे डिफिशेंट है। इन 9 में से भी 3-4 ही जिले हैं जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डिफिशेंट है जो जिसमें कि पाकुड़, देवघर, चतरा, लोहरदगा है। बाकी जो पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम के इलाके हैं, कोडरमा है, तो ये सब नियर नॉर्मल पे है। तो अभी आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है और एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो आपको गंगीय पश्चिम बंगाल के आसपास में बना हुआ है, उसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और उसके कारण झारखंड में भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश है और साथ में कुछ जगहों पे भारी बारिश है। और अब बात करें तो 18-19 में भारी से बहुत भारी बारिश की भी फिर संभावना जताई जा रही है। तो जिसको लेके कुछ रीजन में हम लोगों ने ऑरेंज अलर्ट दिया है, कुछ रीजन में येलो अलर्ट दिया है। तो जो डिफिशियंसी है उसमें कमी आने की काफ़ी चांसेस हैं और ये जो बारिश है वो किसानों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।